रोजा नहीं होगा। रोजा यही है कि आप अल्लाह की खुशनूदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है रोजे के आलम में, उन चीजों से बचना। इंसान के लिए रोजे की नियत दिल से गुजारना या मसलन ये कहना कि मैं कल रोजा रखूंगा जरूरी नहीं है, सिर्फ इरादा ही काफी है। आपने इरादा किया कि खुद मन ही मन में, इरादा जाहिर बात जबान से नहीं होता, इरादा दिल ही में होता है, ये तो जबान से कहना पड़ता है समझाने के लिए, इरादा दिल ही से होता है। आपने इरादा किया कि इंशाअल्लाह हम कल से माहवार के रमजान के रोजे रखेंगे, बस ये नियत हो गई आपकी। जाहिर सी बात है नियत का किस लिए है रोजे रखेंगे, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए, या कुर्बतन इलल्लाह। तो दिल से इंसान के लिए रोजे की नियत दिल से गुजारना या मसलन ये कहना कि मैं कल रोजा रखूंगा जरूरी नहीं, बल्कि उसका इरादा करना ही काफी है कि वो अल्लाह ताला की रजा के लिए अजान सुबह से मगरिब तक कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रोजा बातिल होता हो। और ये यकीन हासिल करने के लिए कि उसने तमाम वक्त रोजे से गुजारा है, जरूरी है कि कुछ देर अजान सुबह से पहले, इसी वजह से हमारे यहाँ एहतियात लगाते हैं, ये एहतियात इसीलिए होती है कि आप अजान का इंतजार न करें कि अजान जब तक हो तब तक पीते रहें, अजान जब तक हो तब तक खाते रहें, नहीं, कम से कम 5-10 मिनट एहतियातन 5-10 मिनट पहले आप तर्क कर दें ताकि यकीन हो जाए कि आपका रोजा सही वक्त से शुरू हुआ है। इसी तरीके से कुछ देर मगरिब के बाद भी ऐसे काम करने से परहेज करें जिससे रोजा बातिल हो जाता है, यानी इधर भी आप थोड़ी एहतियात करिए और उधर भी थोड़ी एहतियात कीजिए ताकि यकीन हो जाए कि आपका रोजा सही वक्त में हुआ है। इंसान माह रमजान मुबारक की हर रात को उसके अगले दिन की नियत कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि आप पूरे महीने की नियत एक साथ कर लीजिए। अभी पहली रमजान गुजरी, अगर आपने नियत कर ली, इरादा कर लिया आपने कि हम इंशाअल्लाह इस माहवार के रमजान में अल्लाह की खुशनूदी के लिए रोजे रखेंगे, वो काफी है। अब आपको हर रोज दोहराना नहीं है, हर रोज नियत करनी नहीं अलग से, अभी नहीं कि आज आपने कर ली कि चलिए एक रोजा तो गुजर गया, दो रोजे गुजर गए, लेकिन आज से इंशाअल्लाह हम इरादा करते हैं कि पूरे महीने हम रोजा रखेंगे, ये आपकी नियत पूरे महीने की हो गई, वो अलग अलग आपको रोजे की नियत नहीं करनी। हाँ, इसमें एक मसला जरूर है, जब अगर आप बीच में खुदा न खासा बीमार हो गए और बीमारी की वजह से एक या दो रोजा छूट गया, तो अब जब दोबारा रोजा रखेंगे आप सेहत के बाद, फिर आपको नियत करना होगी। या इसी तरीके से सफर में चले गए, हमने पहले इरादा किया था, नियत की थी पूरे महीने के रोजे रखेंगे, लेकिन बीच में सफर पेश आ गया, अब दो दिन के लिए, एक दिन के लिए हम सफर पर चले गए, वापस आए तो हमको दोबारा नियत करना होगी। जिस वो शख्स जिसका रोजा रखने का इरादा हो, उसके लिए माहे रमजान में रोजे की नियत का आखिरी वक्त अजान सुबह से पहले पहले है। नियत का, अगर उसने नियत नहीं की है तो फिर उसका रोजा नहीं होगा। नियत का मतलब इरादा, अगर आपने रात में इरादा कर लिया था कोई बात नहीं, जबान से कहना जरूरी नहीं है, दिल में लाना उसका जरूरी नहीं है, सिर्फ इरादा काफी है, लेकिन ये इरादा भी आपका अजान सुबह से पहले पहले हो, यानी अजान सुबह से पहले रोजे की नियत जरूरी है, अगरचे नींद या ऐसी ही किसी वजह से इरादे की तरफ मुतवज्जे ना हो। अब वो रात को सोया था बेचारा कि सहरी में उठेंगे इंशाल्लाह हम इरादा या नियत कर लेंगे, और वो नहीं उठा, तो अब क्या करे, उसके लिए जवाल तक टाइम है, ये जो जोहर का वक्त होता है वहां तक उसके लिए टाइम है कि वहां तक नियत कर सकता है। अब अगर वो भी वक्त गुजर गया तब क्या करे, तब वो रोजे की, इस रोजे को भी पूरा करे और बाद में रोजे की अज़ा करे। जिस दिन के बारे में अगर किसी मुअय्यन
वाजिब रोजे के बारे में, मसलन रमजान मुबारक के रोजे के बारे में इंसान मुजब्जब हो कि रोजे को बातिल करे या ना करे, या रोजे को बातिल करने का इरादा करे, तो चाहे उसने ना भी बातिल किया हो रोजा बातिल हो जाएगा। रोजा बहुत ही नाजुक इबादत का नाम है, रोजा सिर्फ नियत का नाम है, रोजे में कुछ करना नहीं होता है। नमाज आपको कुछ ना कुछ करना है, हज में आपको कुछ ना कुछ करना है, बाकी और दूसरे अमाल में कुछ ना कुछ करना है, रोजे में आपको कुछ करना नहीं है, रोजा सिर्फ नियत का नाम है। लिहाजा अगर आपने इरादा कर लिया किसी दिन में कि ला हम रोजा तोड़ दें, अब प्यास हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, लाओ रोजा तोड़, लाओ पानी पी लें, आपने इरादा किया कि लाओ पानी पी लें, खत्म हो गया रोजा। आपने इरादा किया कि लाओ हम खाना खा लें, एक तो ये है कि हमें खाना लगा है, पानी लगा है, और पानी और खाने को देख के मुंह में पानी आ गया, उससे रोजा बातिल नहीं होता है, उससे रोजा नहीं टूटता है। लेकिन आप कसदन आप चाहें कि नहीं लाओ रोजा तोड़ देते हैं, तो अगर आपने इरादा कर लिया कि लाओ रोजा तोड़ देते हैं, तो मेरा रोजा टूट गया और फिर इसकी तजा और कफारा दोनों होगा। वो चीजें जो रोजे को बातिल कर देती हैं, मैं आज सिर्फ आपकी खिदमत में ये एक लिस्ट पेश कर रहा हूं, और कल से इंशाल्लाह इसकी तफसील। 9 चीजें हैं। अव्वल खाना और पीना, दूसरे जमा, तीसरे इस्तमना यानी इंसान अपने साथ या किसी दूसरे के साथ जमा के अलावा कोई ऐसा फेल अंजाम दे कि जिसके नतीजे में मनी निकल आए, चौथे अल्लाह ताला पैगंबर अकरम और अम्मे मासूमीन से कोई झूठी बात मंसूब करना जो कुरान की आयत ना हो, हम कहें ये कुरान में लिखा है, जो हदीस ना हो, मासूम ने ना फरमाया हो, हम ये कहते हैं मासूम ने फरमाया है, हमने इतना कहा और रोजा बातिल हो गया। पांचवें गुबार का हलक तक पहुंचाना, छठे मशहूर कौल की बिना पर पूरा सर पानी में डिबोना, सातवें अजान सुबह तक जनाबत हैज और निफास की हालत में रहना, आठवें किसी लिक्विड चीज से एनेमा लेना, नवें तय करना। ये 10 चीजें हैं, 9 चीजें हैं कि जिनसे रोजा बातिल हो जाता है। तय करने के सिलसिले में मैंने अर्ज किया था आपके कि शुरू में ये प्रॉब्लम अक्सर रोजेदारों को होती है और तय हो जाती है, तो तय होने से रोजा बातिल नहीं होता है, तय करने से रोजा बातिल हो जाता है। अगर वैसे तय हो गई है तो उससे रोजे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोजा सही रहेगा। लेकिन अगर आमदन हमने कोई ऐसा काम किया कि जिससे तय हो जाए, तो फिर रोजा बातिल होगा। इंशाअल्लाह कल इन्हीं मुब्तलाते रोजा की तफसील आपकी खिदमत में बयान होगी। अगर किसी मसले में कोई शक हो, कोई समझ में ना आया हो, तो असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह मैं यहीं ऊपर हूं, आप उसके मुतालिक सवाल कर सकते हैं। दरमियान मसला भी अगर कोई किसी का कोई मसला हो और सवाल जहन में आ रहा हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तब भी आप पूछ सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।